मेरे साथ जो है ये ताहिरा बेगम गोलकुंडा किले के रहने वाले है। ये भी जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रहा पूरा हैदराबाद में साइबराबाद में, आज से कुछ दिन पहले इन्हों भी जो है इनके महल्ले में एक दवाखाना है शिफा क्लिनिक नामी, तो वहां पर वो दवाखाने को जाया करते थे अम्मा और बेटी दोनों जने। तो वहां पर जो है एक डॉक्टर साहब हैं बेचारे, जिसका नाम है डॉक्टर एम शब्बीर हुसैन, जो शिफा क्लिनिक के मालिक हैं। वो डॉक्टर साहब जो है इनको ये बोले कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं कुवैत में, आप जो है वहां पर जाइए कुवैत में, आपको कम से कम 25 से 30 हजार रुपए मैं आपको सैलरी दूंगा। तो अब बेचारे इनको जो है चार बेटियां हैं, तो चौथी बेटी की जो शादी किए थे उसमें कर्जे में मुब्तला थे, वो कर्जा फेरने के लिए ये डॉक्टर साहब के बातों में आके इन्हों कुवैत चले गए। मैं समझता हूँ कि थर्ड फरवरी 2020 के दिन ताहिरा बेगम कुवैत को चले गए। कुवैत जाने के बाद में वहां पर ये डॉक्टर शब्बीर हुसैन के भाई इनको रिसीव किए, इनको ले जाकर जो है कोई अल शमरी यानी कोई एक अरबी के घर में रख दिए। तो वहां पर जो है बेचारे बहुत परेशान हो गए, सही खाना नहीं दे रहे थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत व्यवहार कर रहे थे इनके साथ, रो रो के मेरे को वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग भेजना। तो ये लॉकडाउन से पहले इनकी बेटी मेरे कने आए थे, तरन्नुम बेगम इनकी बेटी का नाम है, तो मैं खुद पर्सनली वो डॉक्टर को कॉल किया, कॉल करके बोला कि भाई आप डॉक्टर ही करते हुए ये धंधा क्यों कर रहे हैं। तो नहीं खान साहब, मैं बहुत जल्द इनको वापिस बुलाऊंगा। अब उसके बाद में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से मुसलसिल इनकी बेटी और इनकी बहन दोनों जने जा रहे हैं, जाके वहां पर शिफा क्लिनिक पे बैठ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब गुफ्तगू करने के लिए राजी नहीं। ऊपर से फिर ताहिरा बेगम के एक कंप्लेंट्स आ रहे थे कि साहब मुझे और मजीद एक साल यहाँ पर रोक रहे हैं, मैं मर जाती हूँ, मेरे फीड्स आते हैं, मेरे को शुगर है, मेरे बीपी है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ बोल के। तो मैं जो है सुब्रमण्यम डॉक्टर जयशंकर सुब्रमण्यम मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को और इंडियन एम्बेसी को हम इनका केस भेजे थे। तो उसके बाद में जो है इंडियन एम्बेसी इमीडिएट इनके कफील से बात की, बात करके इनको जो है फौरी वहां से यानी बहुत तेजी से इनका काम हुआ। इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडा का बहुत बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। हर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ऐसे ही काम करना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में। जैसा ही मैं जो है कंप्लेंट लिख के इनकी बेटी ताहिरा बेगम की बेटी तरन्नुम बेगम को हमारे एक एमबीटी वर्कर सोहेल के साथ में उनको भेजा, जैसे ही भेजाया वहां पर ये कंप्लेंट सीरियसली लिया, हालांकि रात में 9:30 बजे कंप्लेंट भेजा मैं। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडा इमीडिएट वो डॉक्टर को बुलाए, बुलाकर उसको वार्निंग दिए कि तुम 2 दिन के अंदर अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे को केस बुक करके तुम्हारे खिलाफ में एक्शन लूंगा। तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के दबाव में आने के बाद में और उनकी जुस्तजू से ये काम जल्दी हुआ, ताहिरा बेगम यहाँ पर रेस्क्यू होके आए। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंडियन एम्बेसी इन कुवैत के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर गोलकुंडा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हर इंस्पेक्टर को ऐसे ही काम करना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में, ताकि हैदराबाद में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नासुर लगा हुआ है, एक कैंसर बन गया हमारी सोसाइटी के लिए, हैदराबाद साइबराबाद में जो केसेस रिपोर्ट हो रही इसको हम कंट्रोल करने में कामयाबी होंगी और ये एजेंट्स के खिलाफ में दलालों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा ताहिरा बेगम से कि वो आपके सामने बोले। कब गए थे माँ, पूरा डिटेल बोले। मैं 1 साल होगा साहब मेरे को जाके, मेरे को खाना सही नहीं, पानी तक सही नहीं देते थे साहब, मेरे को कंगन गए, हाथों के चूड़ियां गए, बोलते मेरे को बहुत हिम्मत होती थी, मैं इसलिए आपको कॉल करती थी साहब, मैं बहुत परेशान थी साहब, आपका शुक्रिया अदा करती साहब, जिंदगी भर भूलूंगी नहीं साहब आपको, मेरे को ना मरा नहीं ना बच्चा है ना कोई नहीं है, मैं एक हिम्मत से गई थी मगर मैं को ऐसा नहीं चाहती थी साहब, मैं करना साहब लोगों के बीचों में आके मैं ऐसे चले गई साहब, आज बुरी चीज है साहब, आईना से मैं नहीं जाती साहब, ऐसा क्या करना साहब, मेरे शौहर मेरा बच्चा नहीं रहने से मैं चली गई, आज मेरा शौहर मेरे साथ रहा तो मैं कहीं को जाती थी
नहीं, आपको ये डॉक्टर कैसा भेजे आपको, आप कैसा मिले इनसे डॉक्टर एम शब्बीर हुसैन से कैसा मिले? तबियत खराब हो रही थी, मेरे हाथ पैर दर्द दे रहे थे, मैं गई ऐसा बतला ली, जाते क्या अम्मा बोल तो नहीं मेरे तबियत अब खराब है मैं नहीं जाती, मेरे को ऑलरेडी टिकट है, मेरे को मैडम दी आओ बोल के बोले तो भी नहीं जाती, बोले तो एक साल मेरा पासपोर्ट उनका रख लिए तो मेरा पासपोर्ट दे दो, मेरा पासपोर्ट दे दो बोल के हर वक्त बोलते गई साहब मैं। नहीं, बोले अपने रिश्तेदारों का नहीं भेजते बोल के, फिर किसका नहीं भेजा इन्हों? कफील का नहीं भेजे साहब, उनके रिश्तेदार है इतने कफील है वहाँ। तो ये डॉक्टर साहब धंधा कर रहे हैं क्या इसका ये भेजने का? वो नहीं मालूम साहब मेरे को। ठीक है, ये ताहिरा बेगम की बेटी है तरन्नुम बेगम, आप जब पुलिस स्टेशन गए तो कैसा पुलिस वाले आपको मदद करे जरा वो बोलिए, पूरा बोलिए वाक्य। जी मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो सर पूछे मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे अम्मी को भेजे सऊदी को जाके 3 साल हो गया था, तो उसके बाद में मेरी बहन का कर्जा था, तो डॉक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने बोले के ये कुवैत को जाओ अच्छे लोग हैं, दो जने हैं बोल के, फैमिली ज्यादा रहने की वजह से काम बहुत होगा हमको, हालत बहुत रही। नहीं अम्मा, आप पुलिस स्टेशन गए तो आपकी कैसा मदद करे क्या है वो बोलिए भाई। ठीक है, ताहिरा बेगम की बहन है ना आप, तो बोलिए पूरी क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, कैसा आपको मदद करे पुलिस वाले वो बोलिए। जाने के बाद पुलिस वाले ऐसा ही सब पूछे क्या हुआ इनको, ताहिरा बेगम को क्या प्रॉब्लम है, बोलते देखो साहब ऐसा दवाखाने को गए थे ऐसा ऐसा हुआ, भेज दिए उनको, भेजने के बाद में हम जाके अमजदुल्ला खान को साहब को बोले हम ऐसा 8 महीने से हम बोल रहे हैं ऐसा भेजो बोले, तो उन्होंने डॉक्टर साहब बोले 8 दिन में भेजते 8 दिन में बोले, फिर 6 महीने में भी जाके साहब फोन करे डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब को बोले उन्होंने डॉक्टर साहब क्या बोले आओ साहब मैं 8 दिन में बुला लेता हूँ, बोले 8 दिन में नहीं बुलाए, फिर 3 महीने में भी जाके बोले तो फिर 8 दिन ही बोले उन्होंने, फिर 8 दिन में जाके बोले तो जब भी नहीं बुलाए साहब, हम साहब को जाके बोलने से क्या हुआ 2 दिन में बुला लिए। पुलिस वाले कैसा मदद करे वो बोला? पुलिस वाले अच्छा मदद करे करके बोले देखो अम्मा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बोल रही बोल के बोले, फिर हम लोग क्या बोले। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडे का कि आपने बहुत अच्छा काम किया और ताहिरा बेगम दोबारा अपने खानदान से जुड़ गए, वरना तो इनका आने का कोई उम्मीद नहीं थी। ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये रहता है कि कल कोई और ताहिरा बेगम ना बने, ये एजेंट के बातों में आके इतनी 7 साल से मुसलसल ये केसेस मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, लेकिन खवातीन का जाना नहीं रुक रहा। आप जाके एयरपोर्ट पे आज भी देखिए, एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कई खवातीन जा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि गल्फ में पैर रखते करोड़पति बन जाते, सऊदी में के दुबई यूएई उसमें जन्नत है समझ रहे हैं। अब बताइए आप ताहिरा बेगम की ये उम्र में इन्हों गए बाहर, जबकि उन्हों यहां पर काम नहीं कर सकते कोई 2 घरों में, तो ये इतनी एज में ये 50-60 साल की उम्र में वहां जाके क्या काम करते बोलिए, पूरा खानदान परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान। खैर अल्लाह ताला बचा दिया, और कोई ताहिरा बेगम मत बनिए, मेरी गुजारिश है कि कोई एजेंट के बातों में मत आइए, और पुलिस से भी गुजारिश है कि इन एजेंटों को सख्ती करिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मेरा खास तौर पर उनसे मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सख्ती करिए, जैसा चंद्रायन गुट्टे में एक एजेंट के खिलाफ में केस बुक हुआ, शाली वनडे में ऑलरेडी एक एजेंट के खिलाफ में केस बुक हुआ, गोलकुंडा किले में तो इंस्पेक्टर साहब बुला के उसको दबा के खूब करे, तो ऐसा अगर पुलिस ग्रिप पकड़ी ये एजेंटों के खिलाफ में, पूरों को जियो टैग करिए जितने एजेंट से, और पूरों की रोडी शीट खोलिए, स्पेशल एक इन लोगों की रोडी शीट खोलिए जो भेज रहे हैं, तो इसमें पूरा तकमील पा सकता, हम कंट्रोल कर सकते सोसाइटी को, नासुर जो लगा हुआ है कैंसर बना हुआ है, और खास तौर पर 95% केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में से रिपोर्ट हो रहे हैं, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इसके अंदर कुछ हिस्सा ले रही, ना हमारी रिलीजियस लीडरशिप। जुमा के खुतबे में बोलिए, मैं तमाम मौजनों से तमाम अहमा से मेरी गुजारिश है कि जुमे के खुतबे में जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप बयान करिए, ताकि जो है लोगों में अवेयरनेस आए, हर
महफिलों में बोलिए, जितने दीनी तंजीमें उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग इतना काम करते हैं तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बोलिए। शुक्रिया, खुदाफिज, यार जिंदा सोबत।